हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम फेरी टेल स्टोरी देखने वाले हैं। इस स्टोरी में विशिंग स्टार भूमि पर गिरता है। जो भी इस स्टार से अपनी ख्वाहिश मांगेगा वो पूरी हो जाएगी। ये स्टार डार्क फॉरेस्ट के अंदर गिरता है। डार्क फॉरेस्ट के अंदर जो भी गया आज तक वो वापस नहीं आया। स्टार वहाँ गिरते ही वो जगह बहुत ही रंग बिरंगी और खूबसूरत पेड़ पौधे से बन जाते हैं। ये खूबसूरत जगह डार्क फॉरेस्ट के अंदर है। विशिंग स्टार किसी एक की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंतजार कर रहा है। विशिंग स्टार को ढूंढते हुए कुछ लोग डार्क फॉरेस्ट जाते हैं। उनमें से मूवी का हीरो पुश भी है। उसकी क्या ख्वाहिश है जो वो पूरी करना चाहता है, देखने के लिए चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी का नाम है पुश इन बूट्स। मूवी की शुरुआत में सिटी में गवर्नर के घर में पार्टी चल रहा है। सब लोग पुश इन बूट बोलकर चिल्ला रहे हैं। पुश एक बिल्ला है जो सबका हीरो है और कानून का दुश्मन। सब पुश के दीवाने हैं। पुश की एंट्री एक हीरो की तरह होती है। दिखने में पुश बहुत ही स्टाइलिश है। सब लोग पुश को गाना गाने कहते हैं। पहले तो वो मना करता है, फिर अपना हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ में गिटार आ जाता है। पुश गाना गाने लगता है। सब पुश के गाने के दीवाने होकर नाचने लगते हैं। तभी वहाँ गवर्नर आते हैं। उन्हें देख सब शांत हो जाते हैं। पुश गवर्नर को देख कहता है, बहुत देर कर दी आने में, हम लोग बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। सबको देख गवर्नर चिल्लाते हैं, मेरे घर को तुम लोग कबाड़ खाना समझ रखा है। इस बिल्ली को पकड़ो, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। गवर्नर के गार्ड पुश को पकड़ने दौड़ते हैं। पुश गार्ड के साथ लड़ाई करने लगता है। वो रॉकेट को जलाकर उसमें बैठकर उड़ता है और बहुत से रॉकेट को जला देता है। रॉकेट बिल्ली को तोड़ते हुए आसमान पर टूटते हैं। आवाज सुन वहाँ पे सो रहे मॉन्स्टर जग जाता है। मॉन्स्टर चिल्लाते हुए आता है और गवर्नर के घर को तोड़ देता है। सब लोग डर के भागते हैं। लोगों को बचाने के लिए पुश उससे लड़ता है। पुश उड़ते हुए आकर मॉन्स्टर के नेल में अपनी तलवार से वार करता है। तलवार मॉन्स्टर को सुई की तरह चुभती है। डर से मॉन्स्टर चिल्लाता है। वो बहुत बड़े बेल से पुश को मारता है। वो बेल मॉन्स्टर के सर में लगता है। वो वहीं मर जाता है। पुश बेल से बचकर लोगों को बचाता है। इस लड़ाई में पुश जीत जाता है। सबके सामने अपना सिंबल बनाकर स्टाइल से खड़ा होता है। सब लोग खुश होकर चिल्लाते हैं। एक मुर्गी खुश होकर पुश को भूके देती है। वो खुशी से गाना गाने लगता है। तभी मॉन्स्टर के सर के ऊपर से बेल पुश के ऊपर गिरता है। वो मर जाता है। पुश को दिखाते हैं। वो एक डॉक्टर के पास है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ खत्म होने वाली है। पुश कहते हैं, बिल्लियों की पूरी 9 लाइफ होती है, अभी मेरी लाइफ बाकी है। मेरा नाम पुश इन बूट्स है, मैं सबका हीरो हूँ। वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि मैं कितनी दफा मरा हूँ। डॉक्टर बताते हैं, पहली बार बुल के मारने की वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी। उसके बाद टावर के ऊपर से गिनते तुम्हारी मौत हो गई थी। इस तरह तुम 8 बार मर चुके हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। वो कहते हैं, तुम गाँव में एक ओल्ड लेडी जो बिल्लियों को पालती है वहाँ चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। ये सुन पुश को गुस्सा आता है। वो कहता, मैं कभी नहीं जाऊंगा, मुझे और बहुत से काम करना है। वहाँ से एक दुकान में जाकर दूध पीता है। वहाँ बहुत बड़ा डरावना वुल्फ आता है। वो एक नोटिस दिखाकर कहता है, तुम ही हो वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसके पीछे पुलिस है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। ये सुन पुश वुल्फ के साथ लड़ाई करता है, लेकिन वुल्फ बहुत ही पावरफुल रहता है। वो पुश को उठाकर फेंक देता है। पहली बार पुश के फेस से ब्लड आता है। डर के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि ये उसका लास्ट लाइफ है। वो और जीना चाहता है, वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। वहाँ से भागकर छुप जाता है, लेकिन वुल्फ उसे नहीं छोड़ता। सीटी बजाते हुए उसके पीछे आता है। पुश उससे बचने पानी में गिरकर दूसरी तरफ चले जाता है। वो अपने ड्रेस कैप और बूट्स को एक घर के सामने दफना देता है और कहता है, पुश इन बूट्स की कहानी खत्म हो गई, अब मैं एक साधारण बिल्ला हूँ। घर का डोर नॉक करता है। डॉक्टर ने जिस लेडी के बारे में बताया था, वो लेडी डोर ओपन करती है और पुश को उठाकर अंदर लेके चली जाती है। उसे नहलाकर एक रूम में छोड़ती है। वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ रहती हैं। सारी बिल्लियों को एक जैसे फूड मिलता है। ये फूड पुश को पसंद नहीं, वो अपने लिए अलग से खाना बनाता है। ओल्ड लेडी कहती है, तुम्हें बाकी बिल्लियों के साथ वही फूड खाना होगा, तुम अलग से बनाकर नहीं खा सकते। पुश सारी बिल्लियों के साथ खाना खाने लगता है, सोने लगता है। उसे ये लाइफ पसंद नहीं है, बाहर मौत के डर से वहीं रहता है। अब उसके बड़े बड़े मूंछें और दाढ़ी भी आ गई है। एक दिन पुश फूड खाता है, उसके साथ एक छोटी बिल्ली भी खा रही है, देखने में अजीब दिखती है। पुश उस बिल्ली से पूछता है, तुम बिल्लियों की तरह नहीं दिखती हो। वो कहता है, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं एक डॉग हूँ, किसी ने मुझे नहीं पाला, इसलिए मैं बिल्ली का वेश बदल कर यहाँ आ गया। तभी किसी के आने की आवाज आती है। पुश डर जाता है कि वुल्फ तो नहीं आ गए उसे लेने। वहाँ गोल्डी अपने बियर टीम के साथ आती है। वो लोग ओल्ड लेडी को धमकाकर पुश के बारे में पूछते हैं। वो कहती, इस घर में मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। वे लोग घर की तलाशी करते हैं, उन्हें वहाँ बहुत सी बिल्लियाँ मिलती है। गोल्डी हर एक बिल्ली को देखती है, कहीं पुश तो नहीं। पुश को भी उठाकर देखती है, वो पुश को पहचान नहीं पाती। गोल्डी कहती है, भगवान पुश कहाँ चला गया। वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर पुश का सिंबल रहता है। उसे देख वो समझते हैं कि पुश मर गया। गोल्डी कहती है, अपने गांव में पुश बहुत टैलेंटेड था, उसकी मदद मांगने आए थे, लेकिन वो तो मर गया। उनकी बातें पुश छुपकर सुनता है। अब हमारी कौन मदद करेगा, मुझे किसी भी हालत में विशिंग स्टार का मैप चाहिए। वो मैप मैजिशियन जैक के पास है। पुश होता तो मैप लाकर देता, वो तब नहीं रहा। पुश ये सुन बहुत खुश होता है और कहता है, अगर मुझे विशिंग स्टार मिला तो मैं विश मांगूंगा कि मुझे 9 लाइफ दे दो, फिर से मैं सबका हीरो बनूंगा। छोटा डॉग कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैजिशियन के घर को दिखाते हैं। गांव में सबसे बड़ा उसी का घर रहता है। एक पाइप से जैक के घर के अंदर जाते हैं। जैक को दिखाते हैं। उसके पास 2 आदमी एक बॉक्स को लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि इसमें विशिंग स्टार का मैप है। जैक कहता है, चलो मेरे सीक्रेट रूम में रखते हैं। जैक बॉक्स को ओपन करके मैप देखता है। उन दोनों को गोल्ड हैंड गिफ्ट देता है। समय का फायदा
उठाकर पुष मैप निकाल लेता है। तभी बॉक्स के अंदर से एक बिल्ली पुष को अटैक करती है। बिल्ली को देखते पुष को एकदम शॉक होता है। इस बिल्ली का नाम किट्टी है, ये पुष के एक्स गर्लफ्रेंड है। दोनों मैप के लिए लड़ाई करते हैं। तभी वहाँ गोल्डी की टीम बेयर आती है। गोल्डी दोनों को देख कहती है, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो, अच्छा ठीक है मैप मुझे दे दो। लेकिन किट्टी मैप उसको नहीं देती, उसे लड़ाई करती है और सबको मारती है। आवाज सुन जैक आता है, उसे भी मारती है। वहाँ से बाहर जंप करती है। पुष उस मैप को पकड़ लेता है। दोनों नीचे डॉग की गाड़ी में गिरते हैं। डॉग बर्गर खाने जाता है। पुष बर्गर को नीचे गिरा देता है और जल्दी चलने को कहता है। डॉग गाड़ी को स्पीड से चलाता है। गाड़ी में भी दोनों मैप के लिए लड़ाई करते हैं। जैक को दिखाते हैं, वो बहुत गुस्से में बहुत सारी चीजों को एक मैजिक बैग में डालता है, लेकिन बैग भरता ही नहीं। जैक मैजिक स्टिक से एक पंपकिन पे मारता है। वो पंपकिन बहुत बड़ी गाड़ी के रूप में बदलता है। साथ में बहुत सारे गार्ड भी आते हैं। मैजिक बॉल से पुष कहां देखता है, उनके पीछे जाता है। पुष और किट्टी मैप को पहले कौन ओपन करेगा करके उनकी लड़ाई चलती है। दोनों एक साथ मैप को ओपन करते हैं। मैप ब्लैंक रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें लेटर्स आते हैं। उसमें लिखा रहता है कि विशिंग स्टार डार्क फॉरेस्ट के अंदर है, वहाँ जाने के लिए एक मैप रास्ता दिखाएगा। दोनों डरते हैं क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में जो भी गया आज तक वापस नहीं आया। पुष कहता है मैं डार्क फॉरेस्ट जाऊंगा। किट्टी कहती है मैं भी वहाँ जाऊंगी। तुमको ही विश मांगने की इच्छा है, मुझे नहीं है क्या? किट्टी डॉग से पूछती है तुम कौन हो, तुम्हें भी मैप चाहिए? वो कहता है मुझे मैप नहीं चाहिए, मैं तो पुष के साथ आया हूँ उसकी मदद करने। जैक अपने मैजिक बॉल से ये लोग कहाँ जा रहे हैं देखता है। बियर भी पुष का स्मेल करते हुए आता है। तीनों डार्क फॉरेस्ट के एंट्रेंस में आ जाते हैं। तीनों बाहर खड़े रहते हैं। अंदर जाने से क्या होता है देखने के लिए पुष डॉग को एक लात मार के अंदर भेजता है। किट्टी तो बहुत बहादुर है, वो पुष का हाथ पकड़ कर डार्क फॉरेस्ट में ले जाती है। तीनों एक खूबसूरत जंगल में गिरते हैं। पुष कहता है किस बेवकूफ ने कहा इसे डार्क फॉरेस्ट, यहाँ तो जन्नत है। पुष को आगे कहाँ जाना है पता नहीं। वो किट्टी से कहता है एक सेकंड मैप दिखाओ। किट्टी बहुत ही समझदार है, वो कहती बिल्कुल नहीं, अपन दोनों एक साथ ओपन करके देखेंगे। दोनों एक साथ मैप को ओपन करके देखते हैं। मैप में उन तीनों का फोटो दिखता है। पुष अपने फोटो पर हाथ रखता है, वो जगह बदलता है और पूरा आग से भरा रहता है। किट्टी कहती हटो मैं छूकर देखती हूँ। वो जैसे ही अपने फोटो को छूती है वो जगह बदलता है। वो जगह पहले से और खतरनाक दिखता है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं रहता। डॉग कहता है मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, मैं छूकर देखता हूँ। डॉग अपने फोटो को छूकर देखता है। वो जंगल फिर से खूबसूरत बन जाता है। फूलों के बगीचे के बीचों बीच रिवर है, उसे पार करने से विशिंग स्टार है। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि अपने अपने विचारों के अनुसार ये मैप रास्ता दिखाता है। गोल्डी टीम डार्क फॉरेस्ट में आ जाती है। डॉग से पुष और किट्टी कहते हैं ये मैप तुम ही रख लो। तीनों उस जगह से तेजी से भागते हैं। पुष किट्टी से पूछता है तुम्हारी क्या ख्वाहिश है जो विशिंग स्टार से पाना चाहती हो। किट्टी कहती है वो मेरा सीक्रेट है, मिलने के बाद तुम्हें देख लो। फूलों के बगीचे में आते हैं, वहाँ ब्लू कलर का रोज रहता है। वहाँ ब्लू कलर का रोज उन्हें आगे जाने से रोकता है। किट्टी चाकू से फूलों को काटने जाती है। पुष भी फूलों से लड़ाई करता है। फूल उन दोनों को एक साथ बांध देता है। डॉग फूल को स्मेल करके कहता है कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इन फूलों से। फूल डॉग को कुछ नहीं करता। डॉग उन दोनों को वहाँ से बाहर लेकर आता है। डॉग कहता है फूलों की खुशबू को स्मेल करो, वो तुम्हें छोड़ देगा। पुष फूल को स्मेल करता है, फूल उसे कुछ नहीं करता। फूल उन दोनों को आगे जाने देता है। किट्टी डॉग से पूछती है तुम्हारी कहानी क्या है। वो कहता है मेरी कहानी उतनी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक घर में पल रहा था। उस घर के बच्चे एक सॉक्स के अंदर डालकर पानी में फेंक दिए, बड़ी मुश्किलों से मैं बाहर आया। उसकी कहानी सुन दोनों हैरान होते हैं। इतना सब होने के बाद भी इसी के विशिंग स्टार पाने की इच्छा नहीं है। इनका पीछा करते हुए जैक भी वहाँ आ जाता है। गोल्डी टीम को मार भगाकर फूलों के बगीचे में आ जाता है। उसके गार्ड फूलों को काटने जाते हैं, वो उन्हें स्कल बना देता है। जैक मैजिक बैग से फिनिक्स बर्ड को निकालता है, उस बर्ड का गला पकड़कर फूलों के बगीचों को जला देता है। तीनों रिवर में जाते हैं। पुष्प को अपनी वेट बहुत परेशान करती है। वो किट्टी से कहता है कि मेरी हेल्प करोगी। किट्टी कहती है क्या पुष इन बूट्स मुझसे हेल्प मांग रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पुष्प कहता है मजाक मत करो। किट्टी अपनी सीसर से पुष्प का शेविंग करती है, फिर एक चाकू देकर कहती है इसे तुम अपने पास ही रख लो। इतनी देर से पुष्प एक स्टिक को लेकर घूम रहा था, उसे फेंक देता है। डॉग स्टिक को लेने भागता है। वो दोनों हैरान होकर डॉग को ढूंढते हैं। तभी डॉग को जैक पकड़कर लाता है। जैक कहता है मैप मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इस डॉग को मैं मार डालूंगा। गोल्डी टीम भी वहां आ जाती है। किट्टी कहती है इन सबको मारने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। दोनों उन लोगों से लड़ाई करते हैं। जैक पुष को मारने के लिए रैकेट छोड़ता है। रैकेट उनके गार्ड के ऊपर ही लगते हैं। वो एक कलर पेपर में बदल जाता है, उसका कपड़ा नीचे गिरता है। मैप नीचे गिर जाता है, पुष उसे निकालने वाला है। तभी उसे वुल्फ की सिटी की आवाज आती है। डर के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मैप को वहीं छोड़ के वहां से भाग जाता है। मैप गोल्डी के हाथ में आ जाता है। वो मैप को देखती है, वो जगह बदल जाता है। पुष कहां भाग रहा है कहते हुए किट्टी और डॉग उसके पीछे भाग कर आते हैं। पुष एक जगह में जाकर छुप जाता है। डॉग कहते क्यों आकर छुप गए। पुष कहते ये मेरी लास्ट लाइफ है, अगर मैं मर गया तो दोबारा नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं विशिंग स्टार से विश पाना चाहता हूँ। डॉग कहते किट्टी को ये बातें तुम्हें बताना था। वो कहते नहीं, मैंने उसे धोखा दिया है, वो कैसे मेरी मदद करेगी, बहुत ही फीलिंग से कहता है। किट्टी ये सुन लेती है, उसके ऊपर फिर से उसे प्यार आता है। गोल्डी बहुत खुश है क्योंकि उसे मैप मिल गया। मैप में वर्ड आते हैं तुम जो चाहती वो तुम्हारे सामने है। उसके सामने घर दिखाई देता है। चारों घर के अंदर जाते हैं, ये उनका पुराना घर है, उसका पास्ट याद आता है। बियर को गोल्डी जंगल में अकेली मिलती है, वो अपने साथ गोल्डी को रख लेते हैं। लेकिन ये बियर की फैमिली है, उसकी फैमिली कहाँ है, उसे अपनी रियल फैमिली चाहिए, इसलिए वो विशिंग स्टार को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है। पुराने घर को देख बियर बहुत खुश होते हैं।
आराम से सोने लगते हैं। पुश और किट्टी एक पेड़ पर चढ़कर गोल्डी का हाथ देखते हैं। तभी पुश का हाथ स्लिप हो जाता है। किट्टी उसे पकड़ लेती है और कहती, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम तो छोड़ के चले गए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। पुश कहता है, मुझे मालूम था तुम मुझे जरूर बचाओगी। दोनों फिर से पेड़ के ऊपर चढ़कर गोल्डी का पता लगा लेते हैं। जैक की ख्वाहिश है कि सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना। पुश और किट्टी बियर के घर में जाकर मैप को निकालने की कोशिश करते हैं। गोल्डी उन्हें देख लेती है। बियर पुश को पकड़ने जाते हैं। पुश किट्टी के पास मैप को उठाकर फेंकता है। किट्टी मैप को देखती है और जगह चेंज होने लगता है। बियर का घर आधा टूट जाता है। गोल्डी अपनी स्टिक से मैप को चेंज होने से रोकती है। मैप आधा चेंज होकर रुक जाता है। बियर टीम पुश और किट्टी को पकड़ने जाते हैं। दोनों सबको मार के मैप हासिल कर लेते हैं। वो जगह पूरा चेंज हो जाता है। गोल्डी डॉग को पकड़ लेती है। पुश को किसी भी तरह डॉग को बचाना है। वो मैप की तरफ देखता है। उसे एक क्रिस्टल की दीवार आकर कैद कर देती है। पुश किट्टी से कहता है, किसी भी तरह डॉग को बचा लूं, मैं बाहर आने की कोशिश करता हूं। किट्टी वहां से जाती है। पुश को क्रिस्टल एक रास्ता दिखाता है, उसमें जाता है। वहां पर पुश की हार्ट पास्ट लाइफ दिखाई देती है। सब एक साथ गाना गाते हैं। गोल्डी को मालूम है कि किसी भी तरह विलियम डॉग को बचाने आएंगे। वो ट्रैप सेट करती है। किट्टी उस ट्रैप में उन लोगों को फंसा कर डॉग को लेकर आती है। क्रिस्टल के अंदर पुश का पास्ट कहता है, तुम कौन हो भूल गए, तुम एक हीरो हो, तुम कभी हार मानने वालों में से नहीं हो, तुम हमेशा जीतते आए हो। पुश कहता, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। तभी उसे सिटी की आवाज आती है। वो डरते हुए पीछे देखता है। उल्फ अपना हथियार लिए खड़ा रहता है। क्रिस्टल को तोड़कर कहता है, पुश इन बूट्स कहाँ हैं आप, जब तुम डरते हो मुझे पता चल जाता है, मैं तुम्हें मारने आ जाता हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। पुश डरते हुए मैप को उठाकर वहाँ से भागता है। पीछे उल्फ आता है। पुश भागता हुआ क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। बाहर किट्टी और डॉग रहते हैं। उन दोनों को अनदेखा करके स्टार की तरफ भागता है। उसके सामने स्टार रहता है, मैप को पढ़ने लगता है। मैप को पूरा पढ़ते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ किट्टी और डॉग आते हैं। किट्टी कहती, मैंने समझा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी सेल्फिश ही हो। वो कहता, नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये मेरा लास्ट लाइफ है, इस विश को पाके मैं अपनी आर्ट लाइफ को वापस पाना चाहता हूँ। किट्टी सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती, ठीक है तुम ही रख लो मैप को, लेकिन मुझे क्या विश चाहिए था, नहीं सुनोगे, मैंने आज तक किसी ऐसी बिल्ली को नहीं देखा जो मुझे सच्चा प्यार करे, तुम्हें देखती ही मुझे फिर से तुम पर प्यार आ गया। तभी वहाँ पर जैक और गोल्डी की टीम बियर आ जाते हैं। सब एक साथ मैप के लिए लड़ाई करते हैं। स्टार की दीवार में एक बियर फंस जाता है। बियर गोल्डी से हेल्प मांगते हैं। तभी गोल्डी के हाथ मैप लगता है। मैप को पढ़ के वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बियर को बचाती है। मैप जैक को मिलता है। वो जैसे ही मैप को पढ़ने लगता है, किट्टी उसे अटैक करके मैजिक बैग में डाल देती है। डॉग मैप लाकर पुश को देता है और कहता है, मेरे लिए लाइफ ही बहुत है, इसी में मैं खुशी से रहना चाहता हूँ, इसे तुम ही रख लो। पुश मैप को लेता है। तभी वहाँ सिटी की आवाज आती है। वहाँ वुल्फ आ जाता है। सब डर जाते हैं। पुश को आग के बीचों बीच फंसा देता है। पुश से कहता है, आज तुम्हारा लास्ट डे है, तुम्हारी आंखों में मैं डर देख रहा हूँ। पुश के पास मैप रहता है। वो मैप को नीचे डालकर कहता है, अब मेरी आंखों में देखो, तुम्हें डर नहीं दिखेगा, ये लाइफ मेरे लिए काफी है, इसी में मैं खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। कहते हुए वुल्फ को मारने आता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। बाहर किट्टी और डॉग देखते हैं। पुश को अब मौत से बाहर चला गया। वो वुल्फ के हथियार को तोड़ देता है। वुल्फ को देखकर कहता है, मुझे मालूम है मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं लास्ट तक तुमसे लड़ूंगा। वुल्फ पुश के सामने आकर कहता है, तुम्हारी आंखों में मौत का भय नहीं है, इसके बाद मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक न एक दिन मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा। पुश और किट्टी खुश होते हैं। तभी बैग के अंदर से जैक बहुत बड़ा बनकर बाहर आता है और मैप को पढ़ने लगता है। गोल्डी की टीम पुश और किट्टी के साथ मिलकर जैक पर हमला करते हैं। किट्टी और पुश उड़ते हुए आकर जैक के नेल में अपनी तलवार को सुई की तरह चुभोते हैं। वो दर से मैप को नीचे डाल देता है। गोल्डी पुश और किट्टी मैप को फाड़ देते हैं। फिनिक्स बर्ड मैप को जला देता है। जैक जले हुए मैप को देख के चिल्लाते हुए स्टार के ऊपर गिर जाता है और गायब हो जाता है। गोल्डी टीम और पुश की टीम जंगल से बाहर आ जाते हैं। गोल्डी बियर की फैमिली को अपनी फैमिली मान लेती है। बाकी लाइफ उनके साथ बिताने को चली जाती है। गवर्नर अपना थिंग्स लेकर शिप में चढ़ने आता है। वहाँ शिप नहीं रहता। पुश की टीम उस शिप को चुरा लेती है। पुश अपने पुराने साथियों को देखने किट्टी और डॉग के साथ निकल पड़ता है। उनका एडवेंचर ट्रिप फिर से शुरू होता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। ऐसे फेरी टेल स्टोरी से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। अपने पास एक ही लाइफ है, उसे खुशी से जीना अपने हाथ में ही है। अगर मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।